हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी सुन। मेरा नाम इज कैलाश तिवारी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस मैराथन सेशन में। और ये रैपिड फायर सेशन रहेगा जिसमें हम दो सेशन करेंगे। आज मैं एक सेशन करूंगा, कल सोनल मैम एक सेशन करेंगी, जो आपके एनएससी के एग्जाम के लिए, एएफओ के एग्जाम के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है यूकेपीएससी, जो AAO एग्जामिनेशन होने वाला है उत्तराखंड में, हमारे अपने स्टेट में, उस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ साथ एपीडा का एग्जामिनेशन, हालांकि वो कल ही है, तो उससे आज का सेशन आपको हेल्पफुल वहां पे भी रहेगा। सो हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा। एक स्टूडेंट ने पिछली बार मुझसे कहा कि सर, आप इतनी तेज पढ़ाते हैं रैपिड फायर सेशन में भी, आपको कुछ अपने सेशन का नेम किसी ना किसी जो सुपर फास्ट ट्रेन है, वंदे भारत या कुछ शताब्दी वगैरह, ऐसा कुछ रखना चाहिए। तो अगेन, सजेशन काफी अच्छा है, स्पीड काफी तेज रहती है। उस स्टूडेंट ने इसलिए कहा था कि सर, अगर हम आपके सेशन को 2x करके देखते तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता है, उनको 1x पे ही देखना पड़ता है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे आप भी शेयर कीजिएगा। बट हमारा आज का एम यही है मैराथन को लाइव ना करने का, कि हम कम टाइम में ज्यादा चीज डिस्कस कर पाए। जो आज मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला हूँ, अगर मैं इसको लाइव सेशन में लूंगा तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि चैट कमेंट ये सारी चीजें देखने में टाइम जाता है। तो पहले मैं लाइव सोचा था, बट हमने इसको अब रिकॉर्डेड किया है, इसलिए कि आपका एग्जाम कल है या परसों है, आप इसको सुनेंगे तो आपको काफी चीजें कम टाइम में याद होंगी। बाकी ये तो मैं आपको डिफाइन कर ही चुका हूं, बाकी आप देख सकते हैं ये शतरंज की मोहरे हैं। आप चाहे तो आप गेम खेलें, चाहे तो गेम समझें, आपकी अपनी मर्जी है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि IBPS AFO के लिए हमने आपके लिए एक सरप्राइज, हमने आपसे कहा था कि हम 25 मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें आज पहला मिनी मॉक टेस्ट हमने लाइव कर चुका है। आप उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, स्कोर भी बताइएगा कि कितना रहा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ 20 out of 20 रहना चाहिए, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है ही, इतना भी आसान नहीं है, बट चलिए देखते हैं किसके 20 out of 20 आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है जो टोटल पल्स प्रोडक्शन में लीड कर रहा है? तो पल्स प्रोडक्शन में, तो पल्स प्रोडक्शन में आप देखेंगे ये इजी क्वेश्चन हो गया, मध्य प्रदेश लीड कर रहा है। बट आप देखेंगे उससे पहले राजस्थान भी बीच में एक बार लीड कर रहा था। सो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बहुत अच्छी रैंकिंग है, किस किस में? टोटल पल्स प्रोडक्शन में, ऑयल सीड प्रोडक्शन में, उसके साथ साथ मिलेट प्रोडक्शन में। ऑयल सीड में, मिलेट में कौन स्टेट है ये आप थोड़ा सोचिए, हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेट है जो ऑयल सीड प्रोडक्शन में लीड कर रहा है? अगेन यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे लीड स्टेट है, जो कि टोटल प्रोडक्शन में लीड कर रहा है, किसके? ऑयल सीड्स के। जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो दालें होती हैं, और वो मध्य प्रदेश में लीड कर रहा है। देन कौन से टाइप की काव है जिसका मैक्सिमम शेयर है मिल्क प्रोडक्शन में? जो हमारा मिल्क स्टेट्स आता है, या फिर हम कहें एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स आता है, उसमें ये डेटा आता है कि जो हमारी वेरियस टाइप की काव बफेलोज हैं, उनमें किसका सबसे ज्यादा शेयर? ऑप्शन आपके पास है, काव क्रॉसब्रेड, काव इंडिजिनस, बफेलो नॉन डिस्क्रिप्ट, बफेलो इंडिजिनस एंड काव नॉन डिस्क्रिप्ट। तो आई होप कि आप इसको इजीली आंसर कर देंगे। सबसे ज्यादा मिल्क में शेयर आपको पता है कि काव का है, और उसमें भी काव क्रॉसब्रेड का। बट सेम चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक बार ये देख लेते हैं, काउ क्रॉस ब्रेड का जो है 29.91 शेयर है, इंडिजिनस काउ का 10% है, काउ नॉन डिस्क्रिप्ट का 9.82 है, और एक्सोटिक काउ का 1.92 है। बट अगर बफेलो की बात आएगी तो बफेलो में आप देखेंगे इंडिजिनस बफेलो का ही मैक्सिमम शेयर है। ओवरऑल भी आप देखेंगे तो ओवरऑल भी मैक्सिमम शेयर इंडिजिनस बफेलो का है उसमें। और अगर वो वैसे देखेंगे कंट्रीब्यूशन, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना टोटल कंट्रीब्यूशन, तो ये चीज है, ये किसका है? सबसे ज्यादा काउ का है, काउ में फिर बेसिक कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है ये भी आगे क्वेश्चन है, तो उसी में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैरायटी रिलीज की गई है ट्रांसजेनिक मस्टर्ड की, ये फर्स्ट GM फूड क्रॉप है, याद रखिएगा, फर्स्ट GM फूड क्रॉप जो इंडिया में रिलीज हुई है। फूड क्रॉप हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसको कंज्यूम करेंगे, इससे पहले की जो क्रॉप थी उनको हम कंज्यूम नहीं कर रहे थे, और वो कौन सी थी? BT कॉटन, है ना, बैसिलस सिनेंसिस का जीन हमने इनकॉर्पोरेट किया था किसमें? कॉटन में, ताकि वो जो कॉटन बॉल वॉर्म है और कॉटन बोरर है उससे हम बच सकें। यहाँ पे पूछा है कि क्या नाम है उस वेराइटी का, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है DMH 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ओके, अब ये इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि किसने रिलीज की थी, अभी आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट GM क्रॉप है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई है,
डॉक्टर दीपक पेंटल जो फॉर्मर वीसी रहे हैं वहां के, उन्होंने इसको डेवलप किया था, मतलब किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नहीं है। हाइब्रिड पेरेंट कौन है इसके? वरुणा एंड अर्ली हीरा टू, क्योंकि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सिस्टम इसमें यूज किया गया मेल स्टरिलिटी का, तो बार्नार्ड और बारस्टर मेल स्टरिलिटी सिस्टम इसमें यूज किया गया है। अगर ये सिस्टम क्या होता है ये आपको पढ़ना है, तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है इस पर, आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, और यहाँ पे जो जीन लिया गया है वो बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशन से लिया गया है। ओके, जैसे बीटी में कॉटन में जो हमने लिया है वो बैसिलस थ्रिंजेंसिस से लिया है, और ये बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशन से लिया गया है। ये भी सॉइल बैक्टीरियम है, और ये जो रेजिस्टेंट था हर्बिसाइड के लिए वो वाला जीन इसका इनकॉर्पोरेट किया गया। मॉडिफाइड ट्रेट कौन सा है? हर्बिसाइड टॉलरेंस का बार जीन है, और किसके लिए है? ग्लूफोसिनेट अमोनियम के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर का क्या जीवीए है टोटल कंट्री के जीडीपी में, अगर हम 2022-23 के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैंने परसों जो अपना सेशन किया था उसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था, तो अभी जो करंट में चल रहा है वो सॉरी 18.3 है, 18.3 इज द करेक्ट आंसर, लास्ट टाइम 18.2 था, 18.8 था, अभी 18.3 चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हैं 22 एंड 23 में 18.3 है, 2021 एंड 22 में 18.8, और जो रिवाइज्ड में 19 आया था, तो आपको जस्ट एक रेंज याद रखनी कि इस रेंज में अभी प्रेजेंटली चल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर इज अ टैग लाइन फॉर विच स्कीम। देखिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर में जो टैग नेम है ना वो भारत है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया अभी रिसेंटली एक एग्जामिनेशन में। तो आप देखेंगे किसी भी चीज को आज के टाइम पे गवर्नमेंट रिलीज कर रही है ना, तो उसका नेम भारत ही दे रही है। जैसे आप देखेंगे भारत दाल, ये भी अभी भारत आटा, तो हर चीज में क्या नेम दिया जा रहा है? भारत। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर इस टाइप का नेम पूछा जाएगा तो जनरली वो भारत ही है। इसका क्या करेक्ट आंसर है? तो इसके करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री भारतीय जन ऊर्वरक परियोजना, इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं, पीएम बीजेपी, क्योंकि याद करना कोई मुश्किल ही नहीं है, प्रधानमंत्री एंड बीजेपी, बीजेपी का मतलब यहाँ पे क्या है? भारतीय जन उर्वरक परियोजना। तो ये याद रहेगा, ये भारत प्रधानमंत्री जन उर्वरक या फिर कुछ और मत चूज करना, पीएम बीजेपी ही करना है आपको, ठीक है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर है सबका, जो कोई भी कंपनी इसको बनाएगी नेम इसका भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके ही रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कंपोनेंट इसमें फर्टिलाइजर के कितने हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन में कितना परसेंट हमें नाइट्रोजन मिलता है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ेंगे, द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बाय वे ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, अभी हम इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं उसमें हम समझेंगे, बट आपके कल और परसों के एग्जामिनेशन के लिए आप अभी ऐसे ही समझ सकते हैं। यूटिलिटी मतलब किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो हम एक यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, मतलब उसकी उपयोगिता बनाते हैं। सो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी हम किसे कहते हैं? सो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हमने कोई भी एक चीज बनाई, मान लीजिए आप पिज्जा बनाया, डोमिनोज में पिज्जा बना, तो वो क्या यूटिलिटी क्रिएट की गई? कोई खाएगा उसको तो उसकी यूटिलिटी फिर उससे खत्म होगी। तो कंजम्पशन से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, और मार्केटिंग के थ्रू सबसे ज्यादा ये होता है, या फिर हम कहें अल्टीमेटली ना मार्केटिंग का ही सारा रोल होता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन, हम उसको ही उसमें ही जनरली स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर प्रोडक्शन है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज एग्जाम्पल ऑफ विच यूटिलिटी। अभी देखो क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की ना हम यूटिलिटी चेंज कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए ये लागू होता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, टोमेटो से समझिए, बस टोमेटो से ही आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि टोमेटो ने इस बार किसी को करोड़पति बना दिया और जो कंज्यूमर थे उनको कंगाल बना दिया था जुलाई के महीने में जब 200 रुपए किलो टमाटर हुआ था। ओके, सो आप देखिए कि चार टाइप की यूटिलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहीं पे दिया, मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको। टाइम यूटिलिटी होती है, टाइम यूटिलिटी मतलब आप सभी को पता है टोमेटो रबी सीजन में ज्यादा ग्रो होता है, तो हम इसको अगर कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं तो हम इसको खरीफ सीजन में भी ले पाते हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया? टाइम यूटिलिटी मतलब दूसरे टाइम में भी हम यूज कर पा रहे हैं। प्लेस यूटिलिटी अगर हम देखेंगे, साउथ के स्टेट में ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से हमने इसको जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्ट करा और कहां पहुंचा दिया? J&K में। सो हमने क्या इस क्रिएट की? इसकी प्लेस यूटिलिटी। फिर हमारी पोजीशन यूटिलिटी, फार्मर ने इसको ग्रो किया, फार्मर ने एपीएमसी में इसको सेल किया, और एपीएमसी से फिर वो किसी और ट्रेडर को सेल हुआ, और फिर उसके बाद फाइनली कंज्यूमर को सेल हुआ, तो हर स्टेप पे क्या चेंज हुई? उसकी पोजेशन यूटिलिटी, पहले फार्मर के पास था पोजेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे पोजेशन, फिर यहाँ पे पोजेशन, तो पोजेशन यूटिलिटी चेंज होती रही। देन फॉर्म यूटिलिटी, आपने कहा भैया मुझे तो नहीं पसंद टमाटर वगैरह, मेरी सब्जी में दिखना भी नहीं चाहिए, बट आपके सामने आपकी मम्मी मैगी बना के लाई, आपने कहा मम्मी मैगी तो मैं जरूर खाऊंगा, बट मिलने पहले सॉस लेकर आओ, तो हमने क्या करा?
टोमेटो से टोमेटो सॉस बना दिया, उसकी यूटिलिटी चेंज कर दी, फॉर्म यूटिलिटी। तो ये होती है सारी टाइप की यूटिलिटी जनरली कन्वर्जन। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या पूछा, ओनरशिप जिसमें ट्रांसफर हो रही है वो किस टाइप की यूटिलिटी, पजेशन यूटिलिटी। ट्रस्ट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये इतना ईजी नहीं लिखा होगा, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी सी आपको डेफिनेशन दी होंगी या दो तीन सेंटेंसेस दिए होंगे, पूछा यही होगा। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा हमेशा, आप कभी इसको गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय एन इंडिविजुअल बाय कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। जैसे ही मैं एक एडिशनल यूनिट खाऊंगा किसी भी कॉमोडिटी की, मैंने एक और चॉकलेट खाई, तो जो एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव की है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट खाने से एक एडिशनल यूटिलिटी जनरेट होगी, तो पर यूनिट की जब हम बात करते हैं तो वो मार्जिनल यूटिलिटी की बात होती है, वर्ड ही मार्जिनल लगता है। सिंपल से ऐसे याद रखिए, जहां पे भी वन यूनिट ऑफ इनपुट, वन यूनिट ऑफ इनपुट से वन यूनिट ऑफ आउटपुट की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर वो मार्जिनल वर्ड वहां पे जनरली लग जाता है। उसके आगे यूटिलिटी रिटर्न रिटर्न कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ये देखिएगा, बाकी आगे समझेंगे। द डिमांड गुड्स विच आर रिलेटेड विद द डिमांड फॉर अदर गुड्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे गुड्स जिनकी जो डिमांड है वो अदर गुड्स की डिमांड पे निर्भर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। मतलब इसकी जो डिमांड है वो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से डिराइव होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर, सबसे इजी एग्जांपल है एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर। फार्मर ने अगर क्रॉप प्रोडक्शन किया, सीड सोइंग की है, अब उसको जरूरत किसकी पड़ेगी, फर्टिलाइजर की भी पड़ेगी, वाटर की भी होगी, इसके बाद उसको पेस्टिसाइड्स की भी होगी। तो ये सारे गुड्स कैसे हैं, डिराइव्ड गुड्स हैं। ओके, याद रखिएगा, व्हेन वन सेलर सेल्स द प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, करेक्ट आंसर है मोनोपोली। इस क्वेश्चन का एक दूसरा, अगर मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करूं उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखता हूं कि कौन इसका सही आंसर बता सकता है। ऐसी मार्केट कंडीशन बताइए जहां पे वन सेलर सेल्स द प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एग्जैक्ट तो नहीं है बट उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट है, उसको कौन सा कंपटीशन या कौन से टाइप की मार्केट कहते हैं, जो मुझे बताएगा। मैं उसको चॉकलेट देता बट मैं समझ नहीं पाऊंगा, फिर भी चलिए आप बताइएगा तो सही, हम डिजिटल चॉकलेट जरूर देंगे। विच स्टेट इज लीडिंग इन टोटल स्पाइसेस प्रोडक्शन, स्पाइसेस प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है, पहले जब हम पढ़ते थे तो मुझे लगता था केरला, बट केरला इसका आंसर नहीं है सही, क्योंकि इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और रीजन इसका क्या है कि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे ना, सबसे ज्यादा जो गार्लिक प्रोडक्शन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, और गार्लिक आता है स्पाइसेस में, इस वजह से जो हमारे इधर के स्टेट्स हैं ये लीड करते हैं टोटल स्पाइस प्रोडक्शन में, केरला नहीं करता है। केरला फेमस है, केरला सीड स्पाइसेस के प्रोडक्शन में लीड करता है, बट ओवरऑल बल्क की बात करेंगे, मास की बात करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश लीड करता है। विच स्टेट इज लीडिंग इन द मैंगो प्रोडक्शन, आम प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट लीड करता है, अगेन जो हमारा स्टेट है जो ओवरऑल फ्रूट्स प्रोडक्शन में लीड करता है वही मैंगो प्रोडक्शन में भी लीड करता है, और वो है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा सेकंड रैंक है उत्तर प्रदेश की। ओवरऑल अगर हॉर्टिकल्चर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश लीड करता है, टोटल वेजिटेबल में उत्तर प्रदेश लीड करता है, बट फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश लीड करता है, मैंगो प्रोडक्शन और सीट्रस प्रोडक्शन में, और इवन गुआवा प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश लीड करता है। वेजिटेबल में कौन सा स्टेट लीड करता है, अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ लीड कर रहा है, यूपी में, पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था अभी यूपी है। कौन सा स्टेट लीड कर रहा है मिलेट्स प्रोडक्शन में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हमने लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया था, बहुत हमारे गर्व की बात थी, G20 के साथ बहुत सारा इंडिया में पिछले साल काम किया जिसमें कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी था। करेक्ट आंसर क्या है, राजस्थान, राजस्थान इज लीडिंग इन द टोटल मिलेट प्रोडक्शन। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एन इंसेक्टिसाइड फंजिसाइड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ये ग्राफ दिया गया है या फिर यहीं से आपको समझना है, ग्राफ तो नहीं दिया होगा तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको रखा हुआ है। Both should be applied above ETL level. Both should be applied below ETL level. One should above ETL while other below. There is no specific condition mentioned. Simple सी बात है, insecticide, fungicide हम कुछ सजाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम उसको इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं या फिर जो हमारी डिजीज है उनका अटैक कम हो जाए, और कम क्यों हो, क्योंकि हमारा लॉस कम होना चाहिए। तो मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जब लॉस है, ऊपर जब अटैक है, तो फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो लॉस होगा वो ज्यादा हो जाएगा और फिर वो हमारे लिए लॉस कंडीशन होगी, इसलिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है और इसको हम बोलते हैं अबव ईटीएल। सो बोथ शुड बी अप्लाइड अबव ईटीएल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स। जिसने लॉ ऑफ डिमांड समझ लिया इकोनॉमिक्स में या फिर, और साथ ही साथ प्रोडक्शन कर्व समझ लिया और साथ ही साथ
मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट समझ लिया, उसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो हमारी ग्रेजुएशन लेवल में होती है, वो लगभग लगभग आंसर आपके सही होते हैं। ओके, सो यहाँ पे पूछा क्या, सिंपल क्वेश्चन पूछा, लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हमारी जो क्वांटिटी कंज्यूम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। मतलब प्राइस कम था मैं ज्यादा खरीद पा रहा था, प्राइस बढ़ा मेरी खरीदने की पावर कम हो गई, प्राइस फिर बढ़ा फिर मैं कम खरीद पाया। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें कॉन्स्टेंट होती है, ये हम मानते हैं कि इनकम भी कॉन्स्टेंट। अभी ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ा मेरी इनकम भी बढ़ गई, लो मैं तो फिर से ज्यादा खरीद लूंगा, आपको हो गया। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस को कांस्टेंट मानते हैं। सो यहाँ पे क्या पूछा है, ये किसके बीच का रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का। यहाँ पे हमसे क्या बोला है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स प्राइस। सो प्राइस और कमोडिटी का क्वांटिटी का रिलेशनशिप यहाँ पे पूछा गया है। द टॉक्सिन इज डिराइव फ्रॉम द बैसिलस थिनजेंसिस आफ्टर द आयरन परमिएबिलिटी ऑफ द मिडगट एपिथेलियल इन द इंसेक्ट लीडिंग टू द गट पैरालिसिस और परफोरेशन एंड डेथ। कौन से ऐसे टॉक्सिन है भैया बेसिलस थिनजेंसिस से जो हमने लिए और बिल्कुल आफत मचा दी उन्होंने, प्रोटीन्स ने कहा कॉटन बॉलवर्म और कॉटन पॉड बोरर के इंसेक्ट के गट में, तो ये कौन से टॉक्सिन्स है, क्राइटॉक्सिन्स। ओके, लास्ट टाइम किसी बच्चे ने कुछ और भी कहा था, CRI लिखा था, बट CRI नहीं था वो, CR, ये CRY है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, हमारा इनवर्स रिलेशन है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, या फिर हम कहें तो प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। तो ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, द डिमांड कर्व विल बी, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उसमें डिमांड कर्व कैसा होगा। हम किसकी कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, मतलब आप ये समझिए पैरेलल टू, ये एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये आंसर पहले आ गया, चलो कोई बात नहीं। हम इसको ऐसे समझेंगे कि मतलब प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है बट हमारी क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें चेंज है। पहले हम जब ये प्राइस था हम ये क्वांटिटी ले रहे थे, फिर ये ले रहे हैं, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड की होती कितनी होती है, इन्फाइनाइट। कैसे याद रखेंगे इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, DP अपॉन, ऐसे भी लिखते हैं इसको, सॉरी ये डेल्टा, इसको ऐसे करके लिखते हैं, तो चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पे आप देखिए चेंज इन डिमांड तो हो रही है बट प्राइस हमारा कांस्टेंट है, जीरो है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट। अब सिमिलरली अगर आप ध्यान रखिए एग्रीकल्चर कमोडिटी के देखेंगे तो वो कैसे होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस में कुछ भी वेरिएशन आए, प्राइस कम है तब भी हमें गेहूं 1 किलो ही खरीदना है, प्राइस बढ़ गया तब भी हम 1 किलो ही खरीदेंगे, तो मतलब चेंज किस में हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है बट ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, और ऊपर क्या है, डिमांड क्या है हमारी, कांस्टेंट है, तो उस ऊपर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड या फिर जो हम कहते हैं हमारी सॉरी जीरो, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के केस में वो कैसी होती है, इनइलास्टिक, और वो क्या होती है, जीरो, याद रखिएगा। According to the law of demand, what is the impact of the quantity demanded if there is a substitute good available at lower price? तो substitute good अगर lower price पे available है, आपको पता है substitute good कैसे है, आप पेप्सी पीने गए, आपको पेप्सी बहुत अच्छी लगती थी, आप पीने गए बट वहां पे आपने देखा पेप्सी की जगह कोक भी रखी हुई है, और पेप्सी का जो प्राइस है वो 40 रुपीज से बढ़ के 60 रुपीज हो गया है बट कोक का प्राइस 40 रुपीज ही है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे छोड़ो पेप्सी छोड़ो कोक ही पी लेते हैं क्योंकि सिमिलर गुड ही है। सो क्या होगा, जैसे ही एक का देर इज अ सब्सटीट्यूट गुड अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, तो क्या होगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, सब्सटीट्यूट गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट हैपेंस टू द मार्जिनल यूटिलिटी एज एन इंडिविजुअल कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ गुड। तो जैसे जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, आपने मुझे कहा कि सर चलो डोमिनोज में जाके पिज्जा खाएंगे, मेरे को बहुत भूख लगी थी, आपको भी बहुत भूख लगी थी, हमने 10 पिज्जा ऑर्डर किए, हालांकि कर नहीं पाएंगे फिर भी मान लेते हैं हमने किए, हम जैसे जैसे खाना शुरू करेंगे धीरे धीरे हमारी भूख खत्म होती जाएगी, मतलब जो यूटिलिटी हमको पहले से मिली थी वो फिर बाद में नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यही कौन बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेक्शन पॉइंट किसे हम कहते हैं। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट प्रोडक्शन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है समझना, डिफिकल्ट नहीं है, तीन चीज समझनी है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है।
हमको पता है हर एक जगह क्या होता है, जैसे ही आप इनपुट लगाओगे प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा, उसमें इनपुट जैसे जैसे बढ़ाओगे आउटपुट वैसे वैसे बढ़ेगा, बट एक लेवल आता है कि जिसके बाद ना सेचुरेशन होने लग जाता है और उसके बाद फिर डिक्रीज ही होता है, फिर नहीं बढ़ता है। अब वो क्यों, आप देखेंगे स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये प्रोडक्शन जितना आप इनपुट देंगे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग रेट, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता है बट वो रेट इंक्रीज नहीं होता है, वो डिक्रीजिंग रेट से स्लो लग जाता है, और यहाँ से क्या होता है मार्जिनल जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता है, फिर ये कॉन्स्टेंट स्टेज में आता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होना भी शुरू करता है। तो यहाँ पे से पूछा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा है, सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा है जहां से जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो होता है बट विद द डिक्रीजिंग रेट, और साथ ही साथ जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है डिक्रीज होना शुरू होता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमको दिया क्या क्या ऑप्शंस दिए गए, मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम आउटपुट, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऑप्टिमल एफिशिएंसी एंड द कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यहाँ से हमारे फिर क्या है जो रिटर्न्स हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं। व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, सो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी, सैम पिट्रोडा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, किस चीज से रिलेटेड है, ऑयल सीड से रिलेटेड है, और आज तक हम इसके प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाए, हमें बढ़ाना है। ओके, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिट्रस फाइसाइटिस, एमरेस्का बिगुटेला, बिगुटेला या फिर एफिस क्रैसिवोरा या फिर ANB, तो ये दोनों से होता है, सिस्टिस फाइसिस्टिस और एमरेस्का बिगुटेला, बिगुटेला दोनों से। अब आप मुझको दोनों में बताइए कि साइंटिफिक नेम है किसके। ओके, एफिस क्रैसिवोरा तो आप समझ ही होंगे, एफिस लग गया तो एफिड है, पर दोनों किसके हैं। व्हाट इज द मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द सिल्क फिलामेंट, सिल्क में, सेरिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हमने एफओ में एक स्पेशल सेशन करेंगे सेरिकल्चर वगैरह का, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा प्रोटीन है, तो दोनों ही प्रोटीन है, फाइब्रोसिन और सेरिसिन, दोनों ही प्रोटीन इसमें होते हैं। डायमंड बैक मॉथ किसका इंसेक्ट है, डायमंड बैक मॉथ, ये देखो आप डायमंड दिख जाएंगे आपको, ये इस टाइप से ऐसा होता है, किसमें है, ब्रिंजल, टोमेटो, कैबेज, बॉटल गोर्ड, हालांकि वैसे तो बहुत सारे वेजिटेबल्स को ये इन्फेक्ट करता है बट मेजरली आप देखिए कैबेज को ये बहुत ज्यादा इनफेक्ट या फिर अफेक्ट करता है। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट विच क्रॉप, यहाँ क्रॉप पूछी है और यहाँ दिए गए हैं ऑर्डर, ऐसा गलत हो गया, ये तो ये पूछना चाहिए था ऑर्डर। तो स्पोडोप्टेरा, थाइसनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और हेमिप्टेरा, तो आप सभी को पता ही होगा कि लेपिडोप्टेरेंस के लिए ये काफी रेजिस्टेंट है। विच स्टेट इज लीडिंग इन द मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन में हमारा कौन सा स्टेट लीड कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया है ऑप्शन में, अब मैं ऑप्शन आपके लिए यहाँ से गुजरात हटा के यूपी कर देता हूँ, बट कई बार हम लोग ना गुजरात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अमूल की वजह से, वो तभी होता है जब आपको बिल्कुल ही आइडिया ना हो, मैं नहीं मानता कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, कंफ्यूजन हो सकता है कि राजस्थान और यूपी में कौन सा फर्स्ट है। तो आप देखेंगे साल के शुरुआत में राजस्थान फर्स्ट था, अभी यूपी फर्स्ट है, तो जो रिसेंट एस्टिमेट हमारे पास आया उसके अकॉर्डिंग यूपी फर्स्ट है, और जो हमारा टोटल मिल्क प्रोडक्शन है वो 230.58 मिलियन टन है, आपने 220 या 221 याद किया होगा, तो ये रिसेंट है जो नवंबर में आया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब सेलिब्रेट किया गया, 2023 में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन में मैं चॉकलेट दूंगा, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए, वर्ल्ड फूड प्राइस जो 2023 के लिए दिया गया किसको दिया गया है। द क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड एंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, किस स्टेज में सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं, कौन से स्टेज में आप उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रीड कर सकते हैं, किस स्टेज में उनका शेप बहुत अच्छा दिखता है, किस स्टेज में वो अपना फुल्ली शेप एक्वायर करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। करेक्ट आंसर है मेटाफेज। तीन स्टेज होती है, चार स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मेटाफेज ऐसी होती है जहां पे कंडेंसिंग, कॉलिंग, थिकनिंग एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेंट्रल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट में होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज, और यहाँ पे हम बेस्ट स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम को उनके शेप के लिए। याद रखिएगा क्वेश्चन बार बार आता है, यूपीपीएससी में आ सकता है। ये स्टेजेस हैं, बाकी जो हमने स्पेशल सेशन किया था ना जेनेटिक्स का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप वहां पे देख लीजिएगा। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन आंसर इतने जल्दी बताते हैं, समझा दिया करिए, समझाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझाने के लिए हमने स्पेशल सेशंस लिए हैं, हमारे जो क्विक कंसेप्चुअल सीरीज है उसमें भी आप इनको देख सकते हैं। देन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम किस स्टेज में होता है, आप सभी को पता है एम फेज। अगर हम देखें ना सेल साइकिल, सेल डिवीजन जो होता है ये सेल साइकिल होती है, इसका जो ये मैक्सिमम पार्ट होता है ये इंटरफेज होता है, और ये होता है एम फेज जिसके भी चार फेज चार इस पार्ट में होता है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इसको हम बोलते हैं कंपोजिटली एम फेज, माइटोसिस या मियोसिस कुछ भी हो सकता है। बाकी होता है इंटरफेज, इंटरफेज तीन पार्ट में फिर से डिवाइडेड होता है, जिसमें हम बोलते हैं जी1 फेज, जिसको हम दूसरे को बोलते हैं
सिंथेसिस फेज एंड इसको बोलते हैं G2 फेज, गैप 2। सो यहाँ पे ये बेचारा डिवाइड होके आता है क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे पूरा का पूरा गया था वो यहाँ पे माइटोसिस के बाद इस टाइप से आप देखेंगे ये ऐसे आएगा। तो इसकी जो नीचे का पार्ट है वो कहाँ बनेगा, वो इंटरफेज, सॉरी सिंथेसिस फेज में बनेगा। तो वो कहाँ पे है, इंटरफेज में, याद रखिएगा। कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, मैं पढ़ा पढ़ा के इसको थक गया हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया, आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग बोलते हैं सर ये गलत हो गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, तो याद रखिए इन चीजों को। तो मियोसिस वन में अगर आप देखेंगे चार स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन। प्रोफेज वन की पांच सब स्टेजेस होती हैं, वहां पे आपको लता से पानी मांगना है, लता जरा पानी दे दो, लता बहुत अच्छी लड़की है, आपको लता पसंद नहीं तो आप ललित से भी मांग सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और ये डायगाइनेसिस होती है। ये तीन स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलोगस, ये क्रोमोसोम एक है ये दूसरा है, और ये दोनों सिमिलर टाइप का जीन कंटेंट है, तो इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, एक मदर से आया एक फादर से आया है। तो ये दोनों की क्या होती है, सिनेप्सिस, ये साथ में आते हैं और इनकी पेयरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो एक टर्म हो गया, याद रखिएगा सिनेप्सिस। अब जब इनकी सिनेप्सिस हो चुकी है तो इनके बीच में एक्सचेंज होगा, ये जो है स्ट्रैंड ये आप ऐसे इस टाइप से यहाँ से एक्सचेंज होगा, ये इधर आ जाएगी और इसका कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम इसको पूरा कलर कर दें तो एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा दिखेगा आपको, और जो ये वाली स्ट्रैंड है यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सचेंज हो चुका है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है कहाँ पे, पैकाइटिन में। देन उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होता है, चियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन या फिर चियास्मेटा फॉर्मेशन, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई है ये फिर अपने आप को अलग अलग कर लेंगे, उसको बोलते हैं चियास्मेटा। तो ये तीन स्टेज याद रखिए, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द सब स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, सिनेप्सिस टेक्स प्लेस बिटवीन। अब आप बता सकते हैं सिनेप्सिस किसके बीच में होती है, तो टू हेटेरोलोगस क्रोमोसोम राइबोसोम्स, टू होमोलोगस, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, ऐसा नहीं कि किसी के बीच में भी हो जाएगी, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही होगी, तभी उनके बीच में हमको नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नोज की जीन के साथ ही क्रॉस ओवर करेगी, ऐसा नहीं कि नोज की जीन किसी और के साथ क्रॉस ओवर कर रही है, कुछ का कुछ बन जाएगा। ये हमने पढ़ ही लिया है इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफा विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोला जाता है, लाइकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलियन फंजाई, माइकोराइजा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगल हाइफा विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी अपने आप को सीएमडी समझिए, एक कंपनी का, आपने एक कंपनी खोली, आप उसके सीएमडी हैं। स्टार्टअप है तो स्टार्टअप की बड़े टर्न डेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बेचारा सीएमडी ही झाड़ू भी लगा रहा होता है, अलग बात है। चलिए मानने के लिए तो अच्छा है कि हम अपने आप को सीएमडी माने। आप सीएमडी, आपका क्या रोल होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल, इंप्लीमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान। तो आपका क्या रोल होगा, आपका रोल क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, आपको सोचना है कि करना क्या है। सबसे पहले आपको एक्टिविटीज ढूंढनी है, आपको सेट करना है कि करना क्या, उसके बाद सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, अपने आप मतलब फिर वो फर्दर होंगी जैसे भी होनी होंगी। बट अगर आइडेंटिफिकेशन इन एक्टिविटी का, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर भी क्या ही है। ओके, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अभी हमने डिस्कस किया था, इस पांचों ऑप्शंस को पढ़िए, करेक्ट आंसर बताइए। मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं, सी होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा। आप इसको पॉज करके ना थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि अब मैं रुकूंगा तो उसका क्या ही मतलब, कोई मतलब नहीं है। सो द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ द लास्ट यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, एनेबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज, पैथोजन ने की एबिलिटी है डिजीज को कॉज करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन सिटी, क्या बोला जाता है, पैथोजन सिटी। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रह सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही, उसको हम क्या बोलेंगे, ओनली भी लिखा है लिविंग में ही रहेगा, लिविंग नॉन लिविंग दोनों में नहीं या फिर डेड में नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोट्रॉफ। बाकी अब आप समझ सकते हैं, हेमीट्रॉफ मतलब दोनों जगह, नेक्रोट्रॉफ मतलब जो डेड बॉडीज में या फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें रहता है। ओके, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या एसेंशियल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही थी, मैंने आपसे कहा कि आप और मैं पिज्जा खाने गए, हमने 10 पिज्जा ऑर्डर किए ना, आप पिज्जा खाने का मन नहीं करा, 6 पिज्जा हमने खा लिया, हमारा पेट भर गया, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे आप जो बचे पिज्जा उसका कुछ भी करो, तो क्या कंडीशन है,
चेंज इन टेस्ट, डिसकंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, होमोजीनियस अनप्रेडिक्टेबल प्राइसेस, इरेशनल कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो क्या, होमोजीनियस यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। अब ये नहीं बोलेगा कि कोई कि अब चलो पिज्जा से मन भर गया तो गुलाब जामुन खा लेते हैं और गुलाब जामुन की यूटिलिटी को भी आप सेम जगह काउंट कर रहे हो। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए होमोजीनियस यूनिट का होना जरूरी होता है। तो ये चेंज इन टेस्ट, डिसकंटिन्यूटी, ये सब क्या हो जाएगा, अभी आपने कहा कि चलो 10 पिज्जा ले लिए, 5 में 8 खा लेता हूँ, 5 में कल ओवन में गर्म करके खाऊंगा, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो कॉन्स्टेंट क्या है, ये होमोजीनियस इन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, होमोजेनस यूनिट ऑफ कमोडिटी होनी चाहिए। ओके, कोकोनट इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किससे प्रोपोगेट किया जाता है कोकोनट को। कोकोनट सीडलिंग से आप देखिए ग्रो किया जाता है, ये जो आपको दिख रही है फोटो में सीडलिंग है, तो सीडलिंग बनी किससे, सीड से ही है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा उसको मार्क कर लीजिएगा यहां पे सीड से। किन्नू मेंडरिन इज अ क्रॉस बिटवीन किंग एंड विलो लीफ, ये क्वेश्चन अभी आप देखेंगे न्यूज़पेपर में कुछ दिनों पहले आया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था अपने एग्री बी टेलीग्राम चैनल पे। एग्री बी टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, वहां पे क्वेश्चन आंसर करते रहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो किन्नू के फार्मर है ना उनको बहुत अच्छा प्राइस इस बार नहीं मिल रहा, और अच्छा प्रोडक्शन हुआ है किन्नू का इस बार इवन इन द पंजाब। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, न्यूक्लियस का क्या रोल है, न्यूक्लियस का क्या रोल है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे स्टोर होता है, न्यूक्लियस में। एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम्स में। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है, किसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, नेम अभी अभी बोलते बोलते भूल गया, चलिए अभी याद आएगा मैं बताऊंगा, बट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके यस, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स बोलते हैं। ओके, विच ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है, तो अभी न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए, क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम तो प्रोटीन सिंथेसिस में या एंडोस्केलेटल बनाने में हेल्प करना, लाइसोसोम सुसाइडल बैग होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है भैया स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना और प्रोटेक्ट करना सेल को भारी झटकों से, है ना, बाकी जो इन एंड आउट का काम है वो मेम्ब्रेन देखेगी। व्हाट डिस्टिंग्विशेस एन ओलिगोपॉली मार्केट, ओलिगोपॉली मार्केट हम किसे कहते हैं, ऑप्शन आप देखेंगे, मोर देन टू बायर, एग्रीमेंट बिटवीन टू सेलर टू चार्ज अ कॉमन प्राइस, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स डीलिंग इन डिफरेंशिएटेड फॉर्म, सेल कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी और प्राइस बाई वन सेलर, मोर देन टू बट फ्यू सेलर्स ऑफ अ कॉमोडिटी। सो यहाँ पे हम कंपटीशन की बेस में बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे मोर देन टू बट फ्यू सेलर्स, दो से ज्यादा बट कुछ सेलर्स होंगे। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है ना, आप देखेंगे कि प्राइस एक दूसरे सेलर से बहुत ज्यादा वेरी करता है, जैसे जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होती है वहां नहीं फर्क पड़ता, वहां कस्टमर के बेसिस पे फर्क पड़ता है। बट मान लीजिए कि 3-4 ही दुकानदार है, अभी उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया या एक ने अपने प्राइस कम कर लिया, तो बाकियों को भी कम ही करने पड़ेंगे। तो ये कुछ कुछ कंडीशन होती है मार्केट की, ये भी हम जब इकोनॉमिक्स का सेशन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, कौन प्राइस टेकर होता है, कौन प्राइस मेकर होता है। अगर आपको पता है प्राइस टेकर हम किसे कहते हैं, प्राइस मेकर किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से एक और चॉकलेट दी जाएगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन द प्लांट सेल, वैक्यूल का क्या रोल है, तो जो हमारा रोल हमारे पेट का है वही वैक्यूल का सेल के अंदर है। हमारे पेट का क्या रोल है, स्टोर करना, है ना, हालांकि स्टोर के अलावा भी बहुत काम होता है हमारे स्टमक का, तो बट यहाँ पे स्टोरेज ऑफ वाटर आयंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये वैक्यूल में जमा होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ ट्रेट इज डायरेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेक्स हॉर्मोन्स, किससे, सेक्स हॉर्मोन्स से, रिजल्टिंग इन डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इन मेल एंड फीमेल। तो अब ये समझिए, यहाँ पे भी हम ऐसी चीज समझते हैं और ये लिखा होता है हमारे माइंड में सेक्स लिंक्ड ही आता है, बट ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। सेक्स लिंक्ड होने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो कैरेक्टर है वो किससे गवर्न हो, सेक्स लिंक्ड जीन से, मतलब XX या फिर XY जीन से वो गवर्न हो रहा हो। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रेड किससे गवर्न हो रहा है, सेक्स हॉर्मोन से, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं है, वो ऑटोसोम में ही प्रेजेंट है कैरेक्टर हमारा, और वो किससे चेंज हो रहा है, हॉर्मोन से। प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन आप देखेंगे जैसे ह्यूमन में भी अगर हम बात करें, मेल एंड फीमेल दोनों में ही टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, बट पर्टिकुलर जेंडर में उसका प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। जैसे आप देखेंगे मेल बाल्डनेस, ये कैसा कैरेक्टर है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है, सेक्स लिंक्ड नहीं है। है वो जेनेटिक ट्रेड बट वो सेक्स लिंक नहीं है। सेक्स लिंक कौन सा होगा, जैसे हीमोफीलिया है वो किसमें है, एक्स क्रोमोसोम्स में होता है। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विलेज मार्केट, विलेज मार्केट का क्या सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देख के समझिए कि यहाँ पे ट्रेड किसके बीच में होता है, फार्मर के बीच में और जो एपीएमसी है या फिर उसके बीच में। तो मतलब
यहाँ पे जो ट्रेड है वो किसके बीच में हो रहा है, प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर के बीच में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजेक्शन मेनली बिटवीन प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स। तो प्रोड्यूसर और ट्रेडर के बीच में जहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है उसको हम विलेज मार्केट बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रेड। प्राइमरी ट्रेड इसी को बोला जाता है जहां पे प्रोड्यूसर से चीजें खरीदी जाती है। अब सेकेंडरी ट्रेड होगा जब ये ट्रेडर फर्दर किसी दूसरे ट्रेडर को या फिर होलसेलर को सेल करेगा, तो वो सेकेंडरी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, हु इज द प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेंट दैट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शन एंड सेल द सरप्लस ईदर इन द विलेज और इन द मार्केट। तो विलेज और इसकी मार्केट की बात की गई, अभी किसमें, प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में प्राइमरी ट्रेडिंग होगी, तो ये किसके बीच में होगी, प्रोड्यूसर्स के बीच में। तो सबसे मेन स्टेक होल्डर या जो सेल करता है वो कौन है, प्रोड्यूसर। ओके, अगर ये क्वेश्चन सेकेंडरी के लिए पूछा जाता फिर यहाँ पे कौन आ जाते, फिर यहाँ पे ट्रेडर आते। हालांकि मिडिलमैन और ब्रोकर्स का रोल ये नहीं होता है कमोडिटी को सेल परचेज करना, बट वो चैनल प्रोवाइड करते हैं, उनके पास फिजिकल फॉर्म में वो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन माइट द मार्केटेड सरप्लस बी लेस देन द मार्केटेबल सरप्लस। किस कंडीशन में ऐसा है कि जो मार्केटेड सरप्लस है वो कम है मार्केटेबल सरप्लस, मतलब एक फार्मर 100 क्विंटल वीट बेच सकता था बट उसने 50 क्विंटल ही बेचा, ऐसे क्या मजबूरी उसकी रही या क्या कारण रहा होगा। तो क्या है, वो लार्ज फार्मर है, उसके पास रिटेन करने की क्षमता है सरप्लस को। अगर हम कहते कि मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल से भी ज्यादा हुआ, किसी फार्मर ने 10 क्विंटल प्रोड्यूस किया और उसने को 10 का 10 ही बेचना पड़ गया, मतलब वो 2 क्विंटल तो अपने लिए रख सकता था ना, साल के लिए नहीं रखा उसने। क्यों नहीं रखा, क्योंकि बेचारे को पैसे चाहिए थे, उसने कहा कि मैं बाद में खुद खरीद लूंगा, अभी बेचो, डिस्ट्रेस और फोर सेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, लार्ज सेल, जिसकी रिटेनिंग सरप्लस की पावर ज्यादा है। Which type of gene interaction occur when the expression of one gene masks the expression of another gene? एक जीन ने दूसरी जीन का एक्सप्रेशन मास्क कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि यहाँ पे जीन लिखा है, एलिल नहीं लिखा है। अगर एलिल लिखा होगा तो ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे एलिल लिखा होता कि एक एलिल ने दूसरी एलिल के एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल डोमिनेंस बोलते हैं। ओके, What advantages does the cooperative marketing confers on farmer on terms of bargaining strength? Cooperative marketing, बहुत सारे farmer, एक farmer 2 क्विंटल ग्रो कर रहा था, मार्केट में जाके बेच भी नहीं पा रहा था, कोई ले ही नहीं रहा था। अभी 200 फार्मर जो 200 क्विंटल ग्रो कर रहे थे, 400 क्विंटल हो गया, अभी कितना अच्छा बार्गेन कर पाएंगे, तो इनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन बार्गेनिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न अगर व्हेन अ सिंगल जीन हैज अ मल्टीपल एलील बट ईच इंडिविजुअल कैन ओनली इनहेरिट 2 एलील एट अ टाइम। तो कहने का मतलब है कि सिंगल जीन के मल्टीपल एलील हैं। जनरली हम देखते हैं हाइट का कैरेक्टर है तो हम कहते हैं कैपिटल टी होगा टॉल के लिए, स्मॉल टी होगा ड्वार्फ के लिए, हम इंटरमीडिएट कुछ नहीं होता है यहाँ पे। बट कुछ एलील, कुछ जीन ऐसी हैं जिनकी 3 एलील है और हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग भी एक एलील डोमिनेंट होगी, अनदर एलील रिसेसिव होगी, दो से ज्यादा एलील नहीं होगी। बट ए बी ओ ब्लड ग्रुप है जहां पे 3 एलील है, IA IB और स्मॉल आई, ये 3 एलील है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म। How many traits Mendel taken for the study? 7 traits को उन्होंने लिया था, कौन कौन से trait हैं? आप एक बार थोड़ा सा ध्यान करिए। During the substage 1, prophase 1, synapses होती है, homologous chromosomes pair up होते हैं, tetrad बनाते हैं, कौन से स्टेज में? तो अगेन अभी हमने डिस्कस किया था, zygotene में काम होता है, pachytin diplotene में क्या होता है, रिवाइज कर लीजिए। What is the phenomena of codominance? Codominance का phenomena क्या है? आप और आपकी girlfriend या फिर boyfriend जो भी है, आप market गए, आपने कहा कि मैं रेस्टोरेंट में बैठे, आप रेस्टोरेंट में आपने कहा कि मैं चाउमीन ऑर्डर करूंगी, जो आपकी काउंटर पार्ट है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी, उसने कहा मैं टिक्की ऑर्डर करूंगी, तो दोनों ही नहीं माने, दोनों को ही दोनों चीजें ऑर्डर करनी पड़ गई, मतलब कोई एक डोमिनेट नहीं कर पाया, दोनों ने बराबर एक्सप्रेस किया। तो मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस करती हैं हेटरोजाइगस कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस कंडीशन। ए बी ब्लड ग्रुप, अभी ए ब्लड ग्रुप IA IA की कंडीशन में होता है ना, अभी एस और बी ब्लड ग्रुप IB IB, अभी ए बी अगर यहाँ पे ऐसी ये दोनों एलील कॉम्बिनेशन है, लोग कहते हैं भी हम दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि ए ब्लड ग्रुप होगा और IB की वजह से बी ब्लड ग्रुप होगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप तीसरा ब्लड ग्रुप। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कौन एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसकी बात करता है, जब एक से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट होते हैं।
तो यहाँ पे क्या है लिंकेज, क्योंकि लिंकेज कुछ ऐसे है, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहता है कि जब एक से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, तो डिस्पाइट ऑफ रिमेनिंग टुगेदर उनका इनहेरिटेंस पैटर्न एक दूसरे के असॉर्टमेंट से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब एक का असॉर्टमेंट जैसा होगा जरूरी नहीं कि दूसरे का भी वैसा ही हो। बट लिंक जीन है वो बिल्कुल अपोजिट दिखाते हैं, वो जैसा एक के साथ है वैसे के वैसे ही दूसरे के पास चले जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। Which of the following mechanism promotes self-pollination? Self-pollination कौन promote करता है? Dichogamy. Dichogamy क्या है? Different different time में mature होना, proto-andry male पहले mature हो जाएगा, proto-gyne female पहले, declining, monoecious condition, diecious condition, self-incompatibility, अपना जो pollen है वो stigma पे germinate नहीं कर पा रहा है, cleistogamy flower close है तभी fertilization हो गया, तो ये क्या है? Self-pollination को promote करने वाला mechanism। याद रखिएगा मेल स्टेरिलिटी क्या है, इन जो नॉन फंक्शनल या फिर नॉन वायबल पोलन, यहाँ पे पोलन ग्रीन कैसा है वायबल है। क्रॉसिंग ऑफ F1 विद ईदर ऑफ द पेरेंट उसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस कब बोलते हैं? जब F1 को हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं। टॉप क्रॉस किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। What is the minimum limit of fixed by the government for the agriculture under the PSL? PSL के अंदर priority sector lending के अंदर मैंने कल आपको बताया था, RIDF बताया था, तो मैंने कहा था कि कितना होता है 40% तो टोटल है एग्रीकल्चर के लिए कितना है, करेक्ट आंसर इज 18%, 7.5% किसके लिए है माइक्रो एंड स्मॉल के लिए। कोलैटरल फ्री लोन कितना दिया जाता है एग्रीकल्चर में? अप टू 1.6 लाख, ही मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये है कि यहाँ तक कोलैटरल मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बिना किसी कोलैटरल के लिए इतना दे पैसा फार्मर को दिया जाएगा। मेल स्ट्राइन किससे डिपेक्ट की जाती है? ए लाइन से, ए लाइन मींस मेल स्ट्राइन लाइन, बी लाइन मींस मेंटेनर लाइन, आर लाइन मींस रेस्टोरर लाइन। कौन सी बायोलॉजिकल साइंस है जो डील करती है हेरिडिटी और कॉजेज ऑफ वेरिएशन, मतलब हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और साथ ही साथ उनमें वेरिएशन आते हैं, उस वो कौन सी बायोलॉजिकल साइंस स्टडी करती है, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर डिस्कवर्ड बाय मेंडल इन 1866 वर्किंग विद, मेंडल साहब किसके साथ काम कर रहे थे? मेज, ड्रोसोफिला, हॉकवीड, गार्डन पी के साथ, हॉकवीड के साथ उनके रिलेशन या फिर उनके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं? हाइट की जीन है, उसकी दो एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये इसकी ऑल्टरनेट है, ये टॉल है तो ये ड्वार्फ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलील, एलील। ओके, इन एन ऑर्गेनिज्म द आउटवर्ड एक्सप्रेशन अपीयरेंस को क्या हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। ओके, फिनोटाइप उसको कहा जाता है। डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, किसने दिया था? इजी क्वेश्चन, शल, हल, शील्डर एंड स्वान। शील्डर एंड स्वान ने तो हल थ्योरी दी थी। ओके, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया है? वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए। सेक्स क्रोमोसोम्स को और क्या कहते हैं हम? एलोसोम्स। बॉडी क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और बाकी तो नीचे ऑर्गेनेलीज हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ यूज्ड टू एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट F2? 3:1 किस में आता है? F2 में, और वो भी कौन किस में? F2 में। तो ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में तो क्या था? 9:3:1। इजी क्वेश्चन भी आते हैं, लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है AFO में। Which one of the following is modified Mendelian ratio? Modified Mendelian ratio कौन सा है? ये तो कोई रेशियो होता ही नहीं है, ये F2 का है मोनोहाइब्रिड का, ये F2 का डायहाइब्रिड का, ये जीनोटिपिक मोनोहाइब्रिड का रेशियो है। 9:7 इज द इपिस्टेटिक रेशियो, कौन से टाइप का इपिस्टेसिस है, किसी को अगर पता है तो जरूर बताइएगा। मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर चूज किए और F2 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या रेशियो होता है? तो 7 तो ट्रेड्स हो गए और मोनोहाइब्रिड केस केस में रेशियो क्या होता है? 3:1। व्हेन बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वल इन द हेटरोजाइगोट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वही सेम क्वेश्चन, कोडोमिनेंस हम इसको बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच क्रोमोसोम नंबर इज सेम इन बोथ डॉटर सेल एंड मदर सेल आल्सो नोन एज होमोटिपिक और इक्वेशनल डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। 2n था, 2n 2n हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। मियोसिस हम किसे बोलते हैं? 2n कंडीशन थी, उससे कैसे उससे कितने हमारे सेल बने? 4 सेल, n n n n, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। हालांकि ये मियोसिस 1 में ही हो जाता है, तो ये माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल सोनल मैम आगे इकोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगी, जो आपके UKPSC एग्जामिनेशन, AFO एग्जामिनेशन, एपिडा एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट। एपिडा तो कल होगा, तो आज
वाला ही ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सो दिस इज ऑल। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि मिनी मॉक टेस्ट 1 हमने अपलोड कर चुका है, आप उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। AFO के मॉक टेस्ट आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, 25 मॉक टेस्ट हम आपको फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो आपको एग्रीकल्चर ही प्रिपेयर करना है। सो अगेन स्टूडेंट्स प्रिपेयर 50% फास्टर। आई होप कि मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आ भी जाते हैं वो अलग बात है, बट आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी, खासकर इकोनॉमिक्स और जेनेटिक्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।